सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ऑटोकैड की एक और नेट ट्यूटोरियल। अब इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं ऑटोकैड का। तो ये मेरी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट लेक्चर है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और भी काफ़ी लेक्चर आएंगे। तो ये मेरी फर्स्ट लेक्चर है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भाई ऑटोकैड के बारे में नहीं जानते वो जान पाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑटोकैड की सबसे पहली जो सॉफ्ट और लेटेस्ट की होती है वो होती है लाइन। लाइन के बिना आप कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। तो लाइन के लिए आप या तो आपका जो कमांड बॉक्स होता है डायमेंशन स्टाइल, इसे यहाँ प्रेस कर लीजिए या फिर यहाँ शिफ्ट कर लीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ। ठीक है, इस तरह से पैनल शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी लाइन है, कॉमन लाइन। ठीक है, अब लाइन पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है। राइट और लेफ्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक अपना जो सीधा हाथ होता है वो राइट और जो उल्टा हाथ होता है वो लेफ्ट। तो लेफ्ट क्लिक से मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा टेढ़ी आ रही है, अपने को लाइन बिल्कुल सीधी करनी है तो आपको F8 प्रेस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये F8 से सीधा हो गया। अब इसमें क्या है कि देखिए, जैसे मुझे 100 की लाइन लेनी है तो आपको 100 यहाँ प्रेस करना होगा, 100 प्रेस करना होगा, 100। ठीक है, अगर आप सिंगल इंटर करते हो तो आप कमांड में रहते हो, अगर आपने डबल इंटर कर दिया तो आप कमांड से बाहर निकल जाओगे। इस तरह से आप कमांड से बाहर निकल गए, जैसे ही आपने डबल इंटर किया आप वहां से कमांड से बाहर निकल गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे कि ये 100 की लाइन है तो लाइन अगर मैं चेक करूंगा तो डायमेंशन में जाऊंगा और लीनियर पे यहाँ क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट से मैं यहाँ डायमेंशन चेक कर लूंगा, ये 100 mm के आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर डायमेंशन के अंदर रहना है और आपको कमांड नहीं छोड़ना है तो आपको सिंगल इंटर करना होगा। जैसे मुझे 50x50 का स्क्वायर बनाना है तो मैं लाइन प्रेस करूँगा, लेफ्ट क्लिक एंड 50 इंटर, सिंगल इंटर ओनली। उसके बाद आपको नीचे लाइन लेनी है ऊपर, उस तरफ आप इसको माउस को कर्सर को ले जाओगे। ठीक है, जैसे मुझे नीचे लेनी है तो मैं फिर से 50 लिखूंगा, सिंगल इंटर, उसके बाद फिर इधर इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और यहाँ आपको दिख रहा है 50, फिर 50 इंटर, सिंगल इंटर ओनली, उसके बाद यहाँ ऊपर ले जाके फिर 50 और डबल इंटर, 50 डबल इंटर, ये आपका 50x50 का एक स्क्वायर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल और सिंगल इंटर में यही फर्क है, अगर आपको कमांड के अंदर रहना है तो सिंगल इंटर करना है और कमांड से बाहर निकलना है तो डबल इंटर करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे ये ड्राइंग मेरी बन चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स, 50x50 की, अगर ये मुझे छोटी करनी है, जैसे अब मैं रोलर जो माउस का है उसको मैं जूम इन कर रहा हूँ तो जूम इन हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, व्यू और यहाँ से रीजन होल है इस पर क्लिक कर दूंगा, अब ये छोटा हो जाएगा। ऐसे और छोटा करना है फिर से आपको रीजन होल में जाना होगा, व्यू रीजन होल, और ये छोटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हुई अपने लाइन की बात। ठीक है, अब जैसे मुझे इसकी डायमेंशन चेक करनी है, लाइन लीनियर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, तो ये मुझे जो डायमेंशन है बहुत ही छोटी दिख रही है, मुझे दिख नहीं रही, अगर मैं जूम करूँगा तो ही मुझे दिख पाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कमांड है, या तो आप डी प्रेस कर दीजिए, D4 डॉग, या फिर D4 प्रेस कर दिए, या फिर आप ये जो ब्रूस का सिंबल दिख रहा है डायमेंशन स्टाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कैसे ही कर लीजिए, यहाँ मॉडिफाई में जाओगे, पैरेलल लाइन, जो आपको एक गैप दिख रहा है यहाँ, जैसे आपको गैप अभी दिख नहीं रहा, अगर इस गैप को दिखाना चाहते हो तो यहाँ से लाइन से यहाँ गैप आप दे दीजिए, जैसे 5x5 का गैप दे दिया, 5x5 mm का गैप दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद एरो, जो आपका यहाँ एरो दिख रहा है वो अब भी नहीं दिख रहा, तो आप एरो साइज यहाँ से बढ़ा लीजिए, जैसे मैंने 5 कर लिया। ठीक है, और यहाँ इसको सेंटर मार्क्स नॉन कर दीजिए। ठीक है, टेक्स्ट में जाएंगे, अब टेक्स्ट में मुझे दिख ही नहीं रहा था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 10 या 20 जो भी अपने वो है वो ले लीजिए और ISO स्टैंडर्ड कर लीजिए। फिट में आपको छेड़ना नहीं है, प्राइमरी यूनिट में पॉइंट के बाद कितने डिजिटल आपको रखनी है वो आपको लेनी है। ठीक है, और ओके कर देना है, क्लोज कर देना, बाहर
इस तरह से आपके पास 50 बाई 50 का आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा डायमेंशन दोबारा देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, ये तो 50 बाई 50 का हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हुई अपने पास लाइन की बात। उसके बाद मेरा दूसरा जो है, उसके बाद अगर जैसे हम सिंपली हम जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड में, तो हमें दो तीन चीज़ों के ध्यान रखना होता है। जैसे एक तो लाइन का हो गया, उसके बाद आप रेडियस कैसे लगाओगे। तो रेडियस का देखो दो तरह से है यूज़। जैसे अभी एक शॉर्टकट की, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था शॉर्टकट की, तो मैं फिर से बता देता हूँ। अगर रेडियस लगानी हो तो एफ इंटर आर इंटर, जितने की आपको रेडियस लगानी है, जैसे मुझे 5 की लगानी है तो 5 इंटर, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इस तरह से 5 की आपके पास रेडियस आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसको चेक करना है, तो डायमेंशन में जाकर यहाँ रेडियस चेक कर लोगे, ये आपकी 5 की रेडियस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई अपनी रेडियस की बात। अब रेडियस ये तो आपका शॉर्टकट की हो गया, लेकिन अगर आपको पर्सनली यूज करना हो तो आप कैसे करोगे, उसके लिए आपको ऑफसेट देना होगा। तो मैं पहले ऑफसेट दे लेता हूँ, ओ एंटर, जितने का आपको रेडियस बनाना है उतने का आपको ऑफसेट देना है। जैसे 10 का बनाना है तो 10 का ऑफसेट दे लिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ एंड इससे अंदर, तो ये आपका जो सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ आप सर्किल बना लोगे 10 का, इस तरह से 10 और ये आ गया, और बाकी की ट्रिम कर दीजिए, सेलेक्ट की ट्रिम एंड टी आर डबल एंटर, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। इस तरह से भी आप रेडियस बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो तरीके बता दिए मैंने आपको, या तो एफ एंटर आर एंटर जितने रेडियस है वो, या फिर आप ऑप्शन देके बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो ड्राइंग में क्या होता है। जैसे हमें सर्किल देना होता है तो उसमें डाया लिखा होता है, हरदम जब भी सर्किल आएगा तो डाया लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो डाया के लिए आप क्या करोगे, सिंपल है, अगर आपको डाया दे रखा है तो डाया कीजिए, रेडियस दे रखी है तो रेडियस कीजिए। जैसे मैंने सर्किल के लिए यहाँ सर्किल सेलेक्ट कर ले लिए, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करूँगा, इस तरह से सर्किल का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है, अगर आपके पास डाया दे रखा है तो आप डी प्रेस करोगे, अगर रेडियस दे रखा तो आर, यानी डी फॉर डाया और आर फॉर रेडियस। जैसे डाया दे रखा है मुझे 100 का, तो मैं डी इंटर 100 100 इंटर, तो ये 100 का अपने पास डाया हो गया। यहाँ चेक कर लेंगे डायमेंशन डायमीटर एंड इस तरह से ये 100 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रेडियस बनानी है मुझे, सर्किल ले लीजिए इस तरह से, तो आर इंटर 10 का रेडियस, और 10 ले लीजिए, यहाँ ये 10 का रेडियस हो गया, रेडियस चेक कर लीजिए एंड 10 का रेडियस। ठीक है फ्रेंड, तो डाया दे रखा तो डाया, रेडियस दे रखी थी रेडियस। ये अभी छोटे छोटे कमांड है ताकि आपको जब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, दूसरा जो चैप्टर होगा, उसमें मैं आपको एक ड्राइंग दूंगा, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस के साथ ये कमांड आपको यूज में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात होगी अपनी, छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, अब मैं आपको जो कॉमन है वो बता देता हूँ, चैम्फर के बारे में। सपोज कीजिए मैंने लाइन बना ली, ठीक है, अब मुझे इसमें जैसे चैम्फर लगाना है, तो मैं चैम्फर के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ चैम्फर कमांड है, चैम्फर इसे प्रेस करूँगा, और फिर ए इंटर, ए फॉर एप्पल, ए इंटर, अब जितने के डिस्टेंस है वो चैम्फर में जब भी देखो तो 2 × 45 डिग्री, इस तरह से चैम्फर लिखा होता है। तो जैसे मुझे 5 का लगाना है तो 5 लेंथ हो गई एंटर, उसके बाद एंगल कितना है, 35 का है या फिर 45 का है, 50 का है, जितना भी आपके पास एंगल दे रखा वो, जैसे 45 ही दे रखे होते हैं मैक्सिमम, लेकिन हम 35 ले लेते हैं, 35 एंटर, तो यहाँ फर्स्ट लाइन एंड ये सेकंड लाइन, तो यह आपका 5 का एमएम का चैम्फर लग गया, ये चैम्फर है, इस तरह से तिकोना चैम्फर है। अब चैम्फर आप वैसे भी लगा सकते हो, दूसरा भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ, ये जैसे 35 का हो गया इस तरह से, यहाँ अगर आप चेको ये 55, इस तरह से 55 और इस तरह से 35 हो जाएगा, इस तरह से 35 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है आपने लाइन कौन सी सिलेक्ट पहले की है, अगर इससे लाइन सिलेक्ट कीजिए तो ये 35 आएगा, और इससे लाइन सिलेक्ट कीजिए तो ये 35 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो लाइन के ऊपर डिपेंड है।
तो ये तो हो गया चैम्फर का कमांड। अगर उसके बाद ये तो चैम्फर हो गया, अब मुझे लाइन रोटेट करनी है। सपोज कीजिए मुझे लाइन, इसके बाद जो कमांड नेक्स्ट है वो लाइन का है, रोटेशन का है। तो जैसे मैंने ये लाइन ले लीजिए, यानी अभी 90 डिग्री है, आपको सबको पता है अभी 90 डिग्री है। अब इसको जैसे मुझे घुमाना है, इस लाइन को मुझे रोटेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले से सेलेक्ट कर लूँगा, लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ग्रीन का सिंबल आएगा, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करोगे और यहाँ आएगा रोटेट, ठीक है। इसकी मैं शॉर्टकट की नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्टकट की अभी बताऊंगा तो आप आगे जाके अटक जाओगे। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, जो आप याद रख सको, भूले नहीं। तो जैसे रोटेशन है, रोटेशन पे क्लिक किया, अब इसका जहाँ से आपको घुमाना है, रोटेशन करना है, उस पॉइंट को आप पकड़ोगे। जैसे यहाँ इससे घुमाना है तो इस पर क्लिक करोगे, और यहाँ घुमाना है तो इस पर क्लिक करोगे। जैसे मुझे यहाँ से घुमाना है तो मैं यहाँ इस तरह से क्लिक कर दूंगा, लेफ्ट क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ध्यान क्या देना है, सपोज कीजिए अब इसे जैसे मुझे 90 डिग्री है, तो जैसे मुझे 35 डिग्री घुमाना है, तो 35 के जगह मैं कितना डिग्री दूंगा, 35 माइनस 90 डिग्री, तो ये एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें प्लस और माइनस का खेल होता है जो है। अब आपको अगर क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है वैसे, तो आपको हमेशा माइनस जो भी एंगल वो लेना होगा, और आपको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है तो आपको प्लस साइन लेना होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना हो है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे 120 डिग्री घुमाना है, तो 90 डिग्री तो ये हो ही, तो मुझे 30 डिग्री घुमाना होगा, तब जाके ये 120 डिग्री आएगा। तो जैसे मैंने 30 ट्रेस किया, तो ये प्लस है, तो ये 120 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए, डायमेंशन में जाओगे, यहाँ एंगुलर है फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ये 120 डिग्री है, ठीक है। अगर जैसे अब मुझे सपोज कीजिए ये लाइन है, और इस तरह से मैंने लाइन बना ली, ठीक है। अब इस वाली लाइन को मुझे रोटेट करना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रोटेट लेफ्ट से, और इसको लेफ्ट से ही पॉइंट पकड़ लिया। अब मुझे माइनस करना है, जैसे -45 करना है, तो -45 करोगे तो ये घड़ी की दिशा में चले जाएगा, जैसे 45 माइनस 45, ये इस तरह से घड़ी की दिशा में हो गया। मतलब घड़ी की दिशा में घुमाओगे जब भी, तो माइनस लगाओगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाओगे तो प्लस लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो हो गया। अब इसमें परेशानी ये होती है कि आपको 90 डिग्री में से बार बार माइनस करना होता है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप एक लाइन ले लो। लाइन लिया, जैसे ये लाइन मैंने ली, ठीक है, और इसी पे आप एक और रिपीट लाइन ले लीजिए, इस तरह से रिपीट लाइन मैंने ले ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिंपली इस लाइन पे क्लिक करना है ओनली, इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो दोनों लाइन आपकी रोटेट हो जाएगी, और आप इस तरह से क्लिक करोगे तो एक ही लाइन रोटेट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर लिया, और उसके बाद राइट क्लिक, रोटेट, अब इस पॉइंट से घुमाओगे, इस पॉइंट से वो आपको ऊपर है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे घुमाया। अब मुझे इसमें सिर्फ 30 डिग्री डालना है, तो ओनली मैं घड़ी की दिशा में चलूंगा, तो घड़ी की विपरीत दिशा में जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में, तो प्लस कर दिया तो ये 30 डिग्री ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, एंगुलर फर्स्ट एंड सेकेंड 30 डिग्री आ गई, जबकि सीधी लाइन में क्या होता था, हम 90 में से माइनस करते, जैसे मुझे 30 में घुमाना होता था तो मैं 60 डिग्री मेरा एंगल आता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको रिपीट लाइन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैंने छोटी छोटी आपको कमांडे हैं जो मैंने बता दी। अब मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसे कल या परसों मेरी जो भी वीडियो आएगी, तो मैं आपको एक स्केच दूंगा बहुत सिंपल, उस स्केच को जो मैंने एक कमांड अब आज बताए, मैंने कमांड कौन कौन से बताए, एक तो लाइन का बताया है, एक रेडियस का बताया है, एक चैम्फर का और एंगल का, ये मैंने कमांड बताए हैं, और एक डायमेंशन स्टाइल है, वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं कमांड के बेस पे मैं आपको एक ड्राइंग दूंगा, और उस ड्राइंग को हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको कमांड के साथ भी आपके जो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आए, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। और जो भाई हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे ग्रुप जो मैंने टेक्निकल के लिए बना रखा है ओनली व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ जाइए और हमसे जुड़िए, और आपकी जो भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से, CNC, BMC, HMC और भी आपके सॉफ्टवेयर है 3D के हो या 2D के हो, तो वो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं। धन्यवाद।